नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आईटीआई का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की आज लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं 19 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, और आपको बता दें कि फीस पेमेंट की जो डेट है ये 21 जुलाई तक यहां पे दिया गया है। यानी जो है जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है वो 21 जुलाई तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे की प्रक्रिया क्या होगी उसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है ट्रेड आईटीआई चॉइस फिलिंग आफ्टर फर्स्ट राउंड। पहली काउंसलिंग के बाद जो है जो बची सीटें होंगी उन पर जो है आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी जो है जिनका कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, जो अपग्रेड किए हैं, ठीक है, वो अपना सिकल लिस्ट में अपना नाम देखेंगे, लेकिन जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो फिर से जो है अपने ट्रेड और जो है आईटीआई कॉलेज को चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो है आप अपना अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ शेड्यूल में आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आगे अब प्रक्रिया की और आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है दिया गया है कि डिस्प्ले वैकेंसी सीट 22 जुलाई को बची सीटों का लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है 23 जुलाई से लेकर जो है 25 जुलाई तक आप उसमें अपना करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। फाइनली जो है 30 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो आपको जो है 22 जुलाई को वेट करना है, 22 जुलाई को बची सीटों का लिस्ट देखना है, और फिर लिस्ट देखने के बाद 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अपने फॉर्म में करेक्शन करना है। इसके बाद जो है 30 जुलाई को आपकी सेकंड लिस्ट मेरिट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद शुरू होगी सेकेंड राउंड की एडमिशन प्रक्रिया। आगे की अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। फिलहाल जो है 22 जुलाई का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।